हमें अब तकरीबन तकरीबन 5 घंटे हो गए हम वहाँ से चले हुए लाहौरी से, और अभी हम रिगल चौक के करीब पहुँचने वाले हैं। इतना बड़ा जमे गफीर शायद मैंने अपने सियासी करियर में बहुत कम देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लाहौर उमड़ आया है और बेपना मोहब्बत और बेपना जज्बा मैंने आवाम का देखा, भाइयों का, बुजुर्गों का, माओं का, बहनों का, बेटों का, और वो सब अपना एयरपोर्ट की तरफ रवा दवा हैं मियां नवाज शरीफ की एक झलक देखने के लिए। तो मैं अल्लाह ताला का बेपायाम फजलो करम, उसका लाख लाख शुक्र है कि आवाम के दिलों में कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून की मोहब्बत कूट कूट के भरी है, और आज वो सब उमड़ के सामने आई है। और मुस्लिम लीग नून यकीनन पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है। आज अमूमी तौर पर पंजाब, खसूसी तौर पर लाहौर आज पूरा सड़कों पे है। लिहाजा ये इलेक्शन 25 तारीख को जो हो रहे हैं, आज का ये जमे गफीर, ये समंदर आवाम का, उसने साबित कर दिया है कि 25 तारीख को मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह जीत हमारी है, शफाफ इलेक्शन के तहत जीत हमारी है। और अगर ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा, और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट्स की दस्तियाँ नैब के प्रेशर्स अगर ये सामने आते रहे, तो ये इलेक्शन जो है दागदार हो जाएंगे, जिसके खिलाफ हम भरपूर आवाज़ उठाएंगे। लिहाजा अभी भी वक्त है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी संभाले, और एक एक लम्हा जो है वो कीमती है। इलेक्शन में सिर्फ 13 दिन रह गए हैं, और अमूमी तौर पर लोगों की ओपिनियन है और पॉलिटिकल पार्टीज की कि इलेक्शन जो है वो शफाफ होने में शकूक व शुबात पैदा हो चुके हैं। तो आज का ये दिन, ये मुस्लिम लीग नून का दिन है, पाकिस्तान का दिन है, और आवाम ने आज का दिन मियां नवाज शरीफ के नाम लिखा। बहुत शुक्रिया।